भाइयों और बहनों, बंगाल फुटबॉल से प्यार करने वाला राज्य है और इसलिए मैं फुटबॉल की भाषा में कहना चाहता हूं, टीएमसी ने एक के बाद एक कई फाउल कर लिए हैं। मिस गवर्नेंस का फाउल, विरोधियों पर हमले और हिंसा का फाउल, बंगाल के लोगों का पैसा लूटने का फाउल और आस्था पर हो रहे हमलों का फाउल। बंगाल के लोग सब देख रहे हैं, इसलिए अब बहुत ही जल्द बंगाल तृणमूल को राम कार्ड दिखाने जा रहा है। अब समय और स्थितियां बदल रही है। बुआ भतीजावाद को पश्चिम बंगाल से हटाने का मन आप लोग बना चुके हैं। टीएमसी के वो सभी साथी जो बुआ भतीजावाद से परेशान हैं, वो भी बंगाल की सेवा करने के लिए तड़प रहे हैं। बंगाल की सेवा, अपनी जिंदगी का बाकी समय बंगाल के लिए खपाना चाहते और इसलिए उनसे राम राम करके यहां पर जय श्री राम करने आए हैं। जिनको सही मायने में पश्चिम बंगाल के गरीबों की चिंता है, यहां के विकास, यहां की संस्कृति, यहां के तौर तरीकों की चिंता है, वो आज सभी हमारे साथ, मेरे साथ, मेरे भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। टीएमसी के टोलाबाज, उनका सिंडिकेट अब कुछ दिन के ही मेहमान है। मुझे उम्मीद है कि बंगाल का स्थानीय प्रशासन संविधान को सर्वोपरि रखते हुए ही काम करेगा। किसी को टीएमसी के टोलेबाजों से, टोलाबाजों से डरने की जरूरत नहीं। बंगाल की धरती के गौरव के लिए भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का त्याग, उनकी तपस्या, उनके बलिदान ने समूचे बंगाल को यह एहसास करा दिया है कि इस बार परिवर्तन होके रहेगा। मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूं, बंगाल में हमारी लड़ाई टीएमसी से है, लेकिन साथ ही इनके छुपे हुए दोस्तों से भी जरा सावधान रहना है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, खेल के अंदर मैच फिक्सिंग होता है, लेकिन अब लेफ्ट, कांग्रेस और तृणमूल मिलकर राजनीति में पर्दे के पीछे मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। दिल्ली में लेफ्ट, कांग्रेस और तृणमूल, ये तीनों एक साथ बंद कमरों में मिलते हैं, बैठते हैं, एक साथ मिलकर रणनीति बनाते हैं। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर डील कर रखी है, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। लेकिन बंगाल में लेफ्ट और तृणमूल एक दूसरे से लड़ने का सिर्फ दिखावा करते हैं। इसलिए लेफ्ट और कांग्रेस को वोट देने का मतलब है ये पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है उस खेल का शिकार हो जाना। हमें सजग रहना है और दूसरों को भी सजग करना है कि हमें इस धोखेबाजी का शिकार नहीं होना है।